दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। हम लोग एलसीएम एचसीएफ देख रहे थे, आइए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 गिव्स द रिमाइंडर 2 3 4 एंड 5 इन ईच केस बट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 7। हम इन लोगों ने मैक्सिमम नंबर को लेकर के किया था तो वहाँ पर एस सी एफ फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर को लेके करेंगे तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एल सी एम फाइंड आउट करना होगा। पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लिया कोई संख्या है तो उसको 3 4 5 6 से डिवाइड हम कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि इनका एल सी एम ले लें। जो एल सी एम हम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा, वो नंबर क्या होगा, वो ऐसा नंबर होगा जिससे क्या होगा कि जो नंबर है हमारा उसका वो मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसका 3 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप देखिए ये 3 है और ये 6 है, तो 3 जो है ये 6 में कॉमन है तो 3 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये 2 का पावर 2 हो गया 5 और ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया 60। अब कहता है ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिविजर्स हैं 3 4 5 6, उस संख्या को डिवाइड करने पे क्या होता है, रिमाइंडर आता है 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि इस रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को 3 से, 5 को 4 से और 6 को 5 से, तो क्या आ रहा है 1 जो है ईच केस में रिमाइंडर, ये कॉमन रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, इसको हम कॉमन रिमाइंडर करें कहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि वो नंबर x था, ठीक है, जिसको 3 4 5 और 6 से डिवाइड किया जा रहा था, तो 3 4 5 6 का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो जो एलसीएम होगा वो नंबर उसी का मल्टीपल होगा। मान लिया कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, वाई है। ठीक है, तो हम उस और क्या है, कॉमन रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये जो कॉमन रिमाइंडर होता है इस केस में हमेशा, चूंकि क्या है कि हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, मैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन रिमाइंडर होता है उसको हमेशा यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 60 जो हमारा एलसीएम है वो मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई क्या है, यहाँ पे हमने इसका कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों, क्योंकि जो लोएस्ट जो हमारा एलसीएम आएगा 60, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ईच केस में 2 3 4 5 6 आए और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 आए। ऐसा हो सकता है वाई 60 की जगह 120 पे सेटिस्फाई करता हो, या 60 का और कोई मल्टीपल हो उस पे ये सेटिस्फाई करता हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाई ले लिया और ये कॉमन रिमाइंडर जो आया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कहता है कि ये जो है ये 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करें कि 7 से 60 को डिवाइड करें, तो क्या होगा, 7 8 56, यानी इसको हम फैक्टर कर लें तो 56y + 4y लिख सकते हैं 60y को -1। अब ये 56y क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या हो कि 4y - 1 अगर 7 से डिविजिबल हो जाए तो ये होल नंबर x जो होगी वो 7 से डिविजिबल भी हो जाएगी। ठीक है, तो y की किस वैल्यू के लिए ये 4y - 1 7 से डिविजिबल होगी, तो y की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 4 × 2 = 8, 8 - 7 यानी 7, 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 के लिए ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, 60y - 1 यानी 60 × y की वैल्यू 2 - 1, ये क्या होगा, 120 - 1 कितना हो गया, 119, यानी वो जो संख्या होगी वो 119 होगी, जिसको 3 4 5 6 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 3 4 और 5 आएगी और ईच केस में और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 भी होगी। ठीक है, आप इसको 7 से डिवाइड करें तो ये 7 से डिवाइड भी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13
which when divided by 3, 4, 5 and 6 gives remainder 1, 2, 3 and 4. Same question, same type का question है. यहाँ बस divisibility 13 का है. ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 से हम divide करते हैं, तो 3, 4, 5, 6 का LCM निकाल लें, बिल्कुल वही वैसा ही LC, वही होगा, LCM 60 हो गया. ठीक है, और gives remainder 1, 2, 3, 4, तो क्या करें, ये जो इनसे क्या करें, ये जो डिविजर्स हैं उनके उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें. तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 से 2 गया 2, 5 से 3 गया 2, 6 से 4 गया 2, ये हमारा कॉमन रिमाइंडर आ गया. तो कॉमन रिमाइंडर आ गया, तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम का कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी एलसीएम है 60, तो मान लिया उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाई है, तो यानी 60y, और ये कॉमन रिमाइंडर माइनस कर देंगे, यानी 60y माइनस 2, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए. अब हम क्या करें, इसमें क्या है, 13 से डिविजिबिलिटी कह रहा है कि 13 से डिवाइड भी होना चाहिए. तो हम क्या करें, 60 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 13 चौका चौके 52, 52. ठीक है, तो 52 क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा, तो हम इसको 60y को लिख सकते हैं 52y प्लस 8y. ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 13 होगा 52y, और 8y माइनस 2, अगर ये डिविजिबल बाई 13 हो जाए तो हमारा होल नंबर x जो है क्या है, वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा. तो y की किस वैल्यू के लिए ये 13 से डिविजिबल होगा, तो जब आप चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो y की 2, y is equal to 2 पे क्या है, ये y is equal to 10 पे क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा. क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2, ये 78 आ जाएगा, 13 छक्के 78, 78 हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, 10 आई. तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू पुट कर दें 60y माइनस 2 में, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, 600 माइनस 2 यानी 598. तो इसी प्रकार इस इन क्वेश्चंस को करते हैं. मैक्सिमम उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, 3 डिजिट, ऐसे करके एक आता है जिसमें एचसीएफ निकालते हैं, और ये लिस्ट मल्टीपल और लिस्ट टाइप का पूछे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे तो यहाँ एलसीएम निकालते हैं, और इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं. ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी के भी रूल्स इसमें लगा दिए जाते हैं, तो आजकल यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.